Now this is the example of the select statement. Already we did that. Select statement में क्या है? मैम, हाँ बोलो। मैंने स्क्रीन शेयर की है। अच्छा अच्छा। अमन अब स्क्रीन आ रही है? Yes ma'am. Now this is the example of the select statement. Today I will discuss both the things. Cursor भी और select statement, then you will get the difference between these two. कि इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे question जो है कि हम किसी employee का यहाँ पर उसका नाम और उसकी salary display कराना चाहते हैं. I want to display the name of the employee and salary of the employee. तो हमने यहाँ पे क्या किया है? दो local variable लिया है. That is the V name. और ये जो local variable हमने लिया है, इसका data type हम वही रखना चाहते हैं जो employee table में employee नाम का था. That means तो हमने यहाँ पे क्या किया है? mp.ename percentile type. Percentile type is an attribute which fetch the same data type, same size of the data type also from the store table. जो table आपने database में बनाई है, ये डेटाबेस से वही डेटाबेस उठा के सॉरी डेटा उठा के लेके आएगा और इसका डेटा टाइप वही मेंशन करेगा इस वी नेम एंड वी सेल का जो हमारी एमपी टेबल में है. इवन यू कैन डिफाइन हियर इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज हियर. हमारे पास क्या है? ये है वर्कर. वर्कर टू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन राइट हियर द साइज इज अ 10. अगर आपको याद है तो आप ये डाल सकते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हमारा जो डिक्लेयर्ड साइज ऑफ द वेरिएबल है, अगर वो डेटाबेस के से डिफरेंट आता है, सपोज करो इसका साइज आपने ज़्यादा किया है और डेटाबेस में कम है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सपोज आपने यहाँ 10 डिक्लेयर किया है, वहाँ पे 20 और किसी का नाम 20 के साइज से स्टोर्ड है, तो प्रॉब्लम आती. फिर वो बोलेगा साइज में प्रॉब्लम है, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज मोर देन द स्पेसिफाइड ऑफ द वेरिएबल. तो हम क्या करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए कि ये एरर ना आए, हम वही डेटा टाइप उठा लेते हैं जो ये एम्प्लॉय टेबल पे है, ताकि कोई डिफरेंस ही ना रहे कि भैया उसका साइज अलग है, उसका डेटा टाइप अलग है, वो कंट्रोवर्सी ही हट जाए. तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके का कर दिया, एम्प्लॉय सैलरी का सेम रख दिया और इसका ये कर दिया. तो वी विल सी दैट कि क्या डिफरेंस आएगा क्या, क्योंकि मुझे याद था एग्जैक्टली मैंने वही साइज रखा है, तो आई होप कि नहीं प्रॉब्लम आएगा. नाउ नेक्स्ट हमारा बिगिन सेक्शन में क्या होना चाहिए? हम वो क्वेरी लिखेंगे जिससे हम डेटा को फेच करना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट बिकॉज आई हैव यूज्ड हियर टू वेरिएबल्स, दैट इज अ वी नेम एंड वी सेल. वी नेम एंड वी सेल, तो इसका मतलब है कि जो मेरी क्वेरी होनी चाहिए उसमें भी केवल दो ही कॉलम मुझे सेलेक्ट करना होगा अपने डेटाबेस से. दैट इज अ सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सेल इनटू, आई मीन जो डेटा आपने उसे सेलेक्ट किया है डेटाबेस से, उसको हमें स्टोर करना है लोकल वेरिएबल. ये लोकल वेरिएबल वी नेम एंड वी सेल में, तो हमने यहाँ पे इनटू दिस किया फ्रॉम ईएमपी. वी आर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 40. आई एम टेकिंग इंस्टेड ऑफ द 40, मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने 30 ले लिया क्योंकि 40 में कोई एम्प्लॉय नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे अब इस चीज़ को डिस्प्ले भी कराना है, जो आपने रिट्रीव किया है डेटाबेस से उसको डिस्प्ले कराने के लिए ये आप DBMS आउटपुट पुट लाइन का इस्तेमाल करते हो. आई मीन ये डिस्प्ले कराने के लिए काम करेगा. अब देखो ये जो क्वेरी हम चला रहे हैं, इस क्वेरी में तीन ऑप्शन आ सकता है. तीन ऑप्शन क्या क्या आ सकता है आप यहाँ पे? या तो ये क्वेरी एक सिंगल रिकॉर्ड को देगा, वी कैन गेट अ सिंगल रिकॉर्ड बेस्ड ऑन दिस क्वेरी, और वी कैन गेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और वी कैन गेट नो रिकॉर्ड. हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर 30 में एक भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो हमें नो रिकॉर्ड मिलेगा. हो सकता है डिपार्टमेंट नंबर 30 में पांच लोग काम कर रहे हैं तो वो पांच लोगों का रिकॉर्ड ये रिट्रीव करेगा, और हो सकता है डिपार्टमेंट 30 में केवल एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वी कैन गेट द सिंगल रिकॉर्ड. तो देयर इज द थ्री ऑप्शन टू गेट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन दिस क्वेरी. जो भी वैल्यूज ई नेम में आएगी उसको हमने वी नेम और वी सेल में स्टोर किया, बट बिकॉज दिस इज द लोकल वेरिएबल, इट्स नॉट द डेटाबेस कॉलम. यहाँ पे ये एक लोकल वेरिएबल, एंड लोकल वेरिएबल का नेचर होता है जैसे x इक्वल टू आपने 5 लिखा या 50 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या है कि x जो है एक बार में केवल 50 को ही स्टोर करेगा. अगेन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 60, तो या तो x में 50 होगा या 60 होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बैठ सकता. यानी अगर आपने दोबारा x इक्वल टू 60 लिया, तो
तो ये 50 रिप्लेस हो गया उसकी मेमोरी लोकेशन से और 60 वहां पर बैठ गया, दैट मीन्स रिप्लेस्ड हो गया। तो लोकल वेरिएबल का नेचर है, कोई भी वेरिएबल हो उसका नेचर ये होता है कि एट ए टाइम इट स्टोर्स ओनली सिंगल वैल्यू, नॉट मोर देन दैट। अब यहाँ पे क्या है कि चांसेस क्या क्या हो सकते हैं कि वो क्या क्या डिस्प्ले करा सकता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हमने खुद हैंडल किया, आप चाहो तो इसे लिखो या ना लिखो, दैट इज योर विश कि आपको डेटाबेस को हैंडल करना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो दो एक्सेप्शंस यहाँ पे डाले हैं, एक्सेप्शन का मतलब है एरर को पकड़ना, आई मीन हैंडल करना, व्हेन नो डेटा फाउंड, तो यह मैसेज आ जाए नो रिकॉर्ड्स फाउंड बेस्ड ऑन द इनपुट, बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा आप लिख सकते हैं। व्हेन टू मैनी रोज, क्योंकि सिंगल वाला तो हमारा करेक्ट है, दो चांसेस हैं, या तो मोर देन वन होगा तब हमें प्रॉब्लम होगी, या कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है, अगर मिल रहा है सिंगल मिल रहा है तो ओके। तो सेकेंड एरर क्या हो सकती है, व्हेन टू मैनी रोज देन हमने यहाँ डिस्प्ले करा दिया डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड एंड देन एंड द प्रोग्राम, यहाँ पर फिर प्रोग्राम को आपने एंड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर इसको रन करके, देखो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड। साथ ही मैंने यहाँ पर देखो वी नेम का जो डेटा टाइप लिखा था वर्क एल टू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप चाहो तो emp डॉट सेल परसेंटाइल टाइप का इस्तेमाल करो, और यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा emp डॉट ई नेम परसेंटाइल टाइप, जिसका आपको जिस कॉलम का डेटा टाइप आपको कॉपी करना है वो परसेंटाइल टाइप के साथ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आ गया, लेट्स डू दैट कि अगर मैंने यहाँ पर 40 लिख दिया तो क्या मैसेज आएगा, देखिए यहाँ मल्टीपल वाला मैसेज आ गया, नो रिकॉर्ड्स फाउंड बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा, इसका मतलब है डिपार्टमेंट नंबर 40 में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। अब लेकिन ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है मेरे पास जिसमें सिंगल एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आई विल चेंज सम दिस क्वेरी, इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर आई विल राइट हियर एम्प्लॉय आई डी, तो एम्पी नंबर इक्वल टू मान लीजिए मैंने लिखा 77 39 का शायद कोई एम्प्लॉय हो, चलो देख लेते हैं। अगेन इस एम्प्लॉय का कुछ भी नहीं, 7839 है शायद वो एम्प्लॉय नंबर। तो आपने देखा ये जो एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला इसके बेसिस पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो 7839 चेक कर लेते हैं। यस किंग इज देयर, तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, उसका नाम आ गया और उसकी सैलरी आ गई। तो आप देख रहे हो कि अगर सिंगल रिकॉर्ड हमें मिल रहा है तो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, किस किस केसेस में हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, व्हेन वी गेट द मल्टीपल रिकॉर्ड्स, व्हेन वी गेट नो रिकॉर्ड, आई मीन ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपर काम कर रहा है, आपका प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है, बट ड्यू टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स ये जो लोकल वेरिएबल है एक बार में केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, इस वजह से वो केवल एक वैल्यू को तो स्टोर कर देगा, लेकिन ई नेम ई और सेल में मल्टीपल डेटा आ जाएगा तो वो इसके लिए इम्पॉसिबल है, आई मीन लोकल वेरिएबल में हम उस डेटा को स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि एक साथ ही वो प्रोसेस हो रहा आपका हो गया तो लास्ट डेटा उसके अंदर आ जाना चाहिए, बट वो एरर वहां पर आती, लास्ट डेटा भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई सेलेक्ट स्टेटमेंट में कि व्हेन वी गेट द मल्टीपल रिकॉर्ड्स और नो रिकॉर्ड्स इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, आई मीन जबकि नो रिकॉर्ड्स में तो ठीक है सेलेक्ट क्या कर्सर भी काम नहीं करेगा, लेकिन मल्टी रिकॉर्ड्स में तो भाई आपका डेटा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे जितने लोग भी आ रहे हैं उनका डेटा वो डिस्प्ले करे। ये कौन सी कंडीशन है कि अगर एक है तभी दिखाऊंगा, मल्टी आ गया तो नहीं दिखाऊंगा। इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पर, दैट इज अ कर्सर। अब देखो यहाँ पे सैलरी अगर मैंने ले लिया कि वेयर सेल इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 5000, तो 5000 पाने वाला एम्प्लॉय एक ही है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी, इंस्टेड ऑफ द 5000 इफ आई राइट हियर 3000 देन देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। आप देखिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाउंड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब है 3000 पाने वाले एक से ज्यादा एम्प्लॉय है तो भी यहाँ पर है। लेट्स डू समथिंग एल्स, मान लीजिए मैंने 800 डाला, सेवेयर द सैल इज दिस, तो 800 पाने वाला भी एक बंदा है, दैट इज द स्मिथ जिसकी सैलरी 800 है। तो जहाँ सिंगल रिकॉर्ड होगा वहाँ डेटा डिस्प्ले होगा। अब आया मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी बताया था, इट्स नॉट कंपल्सरी, तो देखो मैं यहाँ से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अगर हटा दूँ
तो क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? बिल्कुल करेगा। ये देखो मैंने यहाँ रिमूव कर दिया, नाउ योर कोड विल बी दिस, बहुत छोटा सा कोड हो गया। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये क्वेरी लिखी और साथ में डिस्प्ले करा दिया और एंड द प्रोग्राम कर दिया। तो ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड था तो आपने देखा कि 3000 यानी उसका डिस्प्ले हो गया। अगर ये सिंगल रिकॉर्ड ना हो, मान लीजिए मैंने यहाँ 3000 डाल दिया, मल्टी रिकॉर्ड्स है इस पर, तो देखो सिस्टम खुद ऑटोमेटिक आपको एक प्रॉपर मैसेज देता है। ये एरर नहीं है कि प्रोग्राम में एरर आ गई, एग्जैक्ट फैक्ट रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज, यानी जो आप 3000 के लिए रोज को फेच करना चाहते हैं वो बता रहा कि एग्जैक्ट फैच रिटर्न्स, इस फैच के कारण रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज, तो आप जितनी रोज को फेच करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आ रही। आई एम लुकिंग हियर सिंगल रिकॉर्ड बट इट इज़ हैविंग मोर देन वन रिकॉर्ड, तो दैट इज़ द रीज़न। ये आपको सिस्टम ने प्रॉपर जवाब दिया है, लेकिन ये ओरा 01422 देख के आप डर जाओगे कि ये तो एरर है, प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। तो प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मोर देन वन रिकॉर्ड होने की वजह से वो एरर आपको लग रहा है। एक्चुअली उसने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर लिखा 30 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा। आई मीन इसके बेसिस पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये आप देख सकते हो नो डेटा फाउंड। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस बेसिस पे कोई डेटा नहीं है, दैट्स द रीज़न वी आर नॉट गेटिंग। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं व्हेन वी गेट मोर देन वन रिकॉर्ड? तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कर्सर। कर्सर का काम है, मैंने आपको बताया था कर्सर दो तरीके से आप बना सकते हो। अगेन आई एम गोइंग टू टेक, आई एम नॉट राइटिंग हियर, अगेन मैं यहीं से उठा ले रही हूँ एक कर्सर का प्रोग्राम, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो दिस इज़ द कर्सर प्रोग्राम। कर्सर में मैंने आपको चार स्टेप बताए थे। सबसे पहले कर्सर को हम डिक्लेयर करते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले काम हम कर्सर को क्या करते हैं, पहला काम है कर्सर का डिक्लेयर करना, डिक्लेयर द कर्सर। देन डिक्लेयर करने के बाद आप करोगे ओपन द कर्सर, कर्सर को ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे फेच, फेच का मतलब रिकॉर्ड को फेच करना, एंड देन फाइनली कर्सर को हमें क्लोज करना होगा। ये चार स्टेप है। तो सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कर्सर कीवर्ड यूज़ करना होगा, कर्सर C1। यहाँ पर हमने एक C1 नाम का एक कर्सर बनाया, कर्सर C1 इज़। अब इसमें क्वेरी हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय का नाम और जॉब, ये हम तीन चीज़ें डेटाबेस से ले रहे हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉय टेबल से हमने तीन लोगों को बुलाया। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ हियर द स्टार ऑल्सो, आई मीन देन इट विल रिट्रीव ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो वो जाके C1 में स्टोर हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे C1 में जाके वो स्टोर हो जाएगा। C1 एक टेम्परेरी मेमोरी है, दैट मीन्स कर्सर इज अ टेम्परेरी मेमोरी वेयर। अब ये रहा आपका डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस है। इस डेटाबेस ये आपका डेटाबेस है। इस डेटाबेस से आपने एम्प्लॉय टेबल को बुलाया और इसको टाइम बिंग थोड़ी देर के लिए आपने इस मेमोरी में ले जाके स्टोर कर दिया। डेटाबेस से आपने क्या क्या बुलाया, एम्प्लॉय नंबर, दैट मीन्स इट विल टेक हियर एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब, ये तीन लोग इस एम्प्लॉय टेबल से उठ के इस छोटी सी टेम्परेरी मेमोरी में आके स्टोर हो जाएंगे। अब कोई एक रिकॉर्ड नहीं आएगा बिकॉज आपने यहाँ कोई कंडीशन नहीं डाली है, तो जितना भी डेटा इस एम्प्लॉय टेबल में पड़ा, दैट मीन्स 14 लोग यहाँ पे स्टोर है, उन 14 लोगों का नाम, उनका एम्प्लॉय नंबर, उनका जॉब, ये सारी चीज़ें यहाँ आके कर्सर में स्टोर हो जाएगी, इस मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगी। कर्सर में स्टोर होने के बाद ये जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा ये 1 by 1 रिकॉर्ड को रीड करेगा, रो वाइज, यानी फर्स्ट रो में आपका आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर, सेकेंड में नेम एंड देन जॉब।
यानी कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड आपका आया, मान लीजिए यहाँ पर 110 है, इसका नाम स्मिथ है, इसका जॉब मान लीजिए एनालिस्ट है, इसी तरह से, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, आई मीन कर्सर में आके ये डेटा स्टोर हो गया। इसी तरह से जब पहला रिकॉर्ड रीड हो जाएगा तो सेकेंड रिकॉर्ड पर आपका पॉइंटर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कर्सर जो है एक बार में ही सारा एक वेरिएबल में डेटा, वो क्या कर रहा है, कर्सर की खास बात क्या, लूप की तरह काम करेगा। यहाँ पे क्या, एक रिकॉर्ड को रीड करा, उसको डिस्प्ले कराओगे, फिर वापस ये नेक्स्ट पे जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन बढ़ेगी, आई मीन यहाँ पर एक तरह से इंक्रीमेंट होगा और वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा, नेक्स्ट का डेटा डिस्प्ले करेगा, फिर थर्ड पे आएगा, फिर फोर्थ पे, लाइक दैट ये यहाँ पे एक मेमोरी बन जाती है। तो हमने डेटाबेस से डेटा को थोड़ी देर के लिए इस लोकल एरिया में ले जाके स्टोर कर दिया, अब इस लोकल एरिया से सारा काम होगा। नाउ नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, हमने एक लोकल वेरिएबल भी बनाएंगे, जैसे पीछे वाले प्रोग्राम में हमने बनाया था वी नेम और वी सेल बनाया था, यहाँ पे वी नेम वी सेल की जगह हमने क्या कर लिया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, केवल एक ही रिकॉर्ड बनाया और यहाँ पर हमने कर लिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड की जगह। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर नाम बदल दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, दैट इज यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लिखने में, तो हम यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए मैंने यहाँ वी रख दिया, ठीक है कुछ भी रख लीजिए, एक्स रख लीजिए या वी रख लीजिए, चलिए एक्स रख लीजिए, एक्स रख लिया हमने, एक लोकल वेरिएबल एक्स बना लिया जिसका डेटा टाइप क्या है आपका C1, आई मीन यहाँ पे देखिए C1 इज नथिंग बट द कर्सर, तो हम यहाँ पे C1 परसेंटाइल रो टाइप। अब कहोगे आपने C1 क्यों लिखा, बिकॉज C1 इज अ कर्सर, इस कर्सर के अंदर एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम आ गए, इस C1 के अंदर तीन चीजें आई हैं, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एंड जॉब, इन तीनों का जो भी डेटा टाइप होगा वो हमने इस रो टाइप से एक्स के लिए कॉपी कर लिया, यानी एक्स का आप डेटा टाइप क्या हो गया, C1 टाइप। C1 में देखिए तो नंबर भी है, एम्प्लॉय नंबर की वजह से नंबर भी है, वर्क एयर भी है, जॉब भी वर्क एयर होगा, ये दो डिफरेंट टाइप का जो डेटा है वो जाके C1 में स्टोर हो चुका है, वही डेटा टाइप हमने X के लिए कर लिया। अब X एक हमने ऐसे ही लोकल वेरिएबल लिया है विच विल रिट्रीव द वैल्यू, तो अब देखो हमने C1 परसेंटाइल रो टाइप किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा था पिछले प्रोग्राम में emp.ename लिखा था आपने, एंड देन रो टाइप की जगह आपने लिखा था परसेंटाइल टाइप। परसेंटाइल टाइप एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा कॉपी करता है, जबकि रो टाइप अगर आपने लिख दिया तो ये एंटायर टेबल का जो भी डेटा टाइप होगा, जितने भी कॉलम उस टेबल में होंगे उसको ये कॉपी कर लेगा। तो इस समय कर्सर में दो हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर, नेम और जॉब, सॉरी तीन लोग हैं, इन तीनों का डेटा टाइप अब एक्स में आ गया, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे C1 परसेंटाइल रो टाइप रख दिया। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको EMP परसेंटाइल रो टाइप करते तो भी ये डेटा टाइप EMP का पूरा एक्स में आ जाता। नाउ नेक्स्ट हमने जब कर्सर डिक्लेयर कर लिया और एक लोकल वेरिएबल बना लिया, तो नेक्स्ट बिगिन सेक्शन में हम कर्सर को ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कर्सर का क्या होता, कर्सर ओपन होगा, दैट मीन C1 को आपने ओपन कर दिया, देन C1 एक मेमोरी एरिया, हम चाहते हैं कि उससे एक एक डेटा रीड होके इस लोकल वेरिएबल में आए, तो हमें यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना लूप के हम डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे, मैंने वो वापस सेकेंड पे थर्ड पे कैसे जाएगा, वो घूमना सीखेगा कहाँ से, लूप से। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, फेच C1 से हम जो C1 में जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है मेमोरी में, लोकल मेमोरी में, उससे अब हम एक एक डेटा को फेच करेंगे और ये जो हमने लोकल वेरिएबल एक्स बनाया है उसमें स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक्स लिखूंगी, इनटू एक्स लिख दिया मैंने, देन अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस लगा ली कि भाई अगर कोई डेटा ना मिले तो वो एग्जिट कर जाए, एग्जिट व्हेन C1 परसेंटाइल नॉट फाउंड, अगर C1 में कोई डेटा ना मिले, लूप है, लूप को कंट्रोल भी तो करोगे आप, तो ये एग्जिट कब करेगा, जब C1 में सारे के सारे डेटा खत्म हो जाए, दैट मीन्स नॉट फाउंड इज एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे C1 जब हमारा खत्म हो जाएगा, आई मीन देर विल बी नो रिकॉर्ड्स, और आप कह सकते हो कोई डेटा नहीं मिले, तो वहाँ से एग्जिट कर जाए, और जब तक वो एग्जिट ना करे तब तक ये प्रिंट करता रहता है। DBMS आउटपुट पुट लाइन क्या क्या आपको प्रिंट कराना है, एम्प्लॉय का नंबर, तो यहाँ पर हम एक्स डॉट लिखेंगे, क्योंकि एक्स आपका प्रिफिक्स यहाँ पर लगेगा, एक्चुअली टेबल में जो नाम है कॉलम का दैट इज द एम्प्लॉय नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स डॉट एम्प्लॉय नंबर, देन स्पेस दे दिया ताकि एम्प्लॉय का नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट ई नेम। इसी तरह से हमने जॉब भी रिट्रीव किया है, तो लेट्स डू दैट कॉलन सिंगल कोट्स,
एंड देन अगेन कॉन्कैटिनेशन, एंड देन हमें क्या लिखना है, एक्स डॉट जॉब कर देंगे. जो कॉलम का एक्चुअल नेम है वो एक्स के साथ प्रिफिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा. देन लूप को आप एंड कर दीजिए एंड एंड द प्रोग्राम हो गया. नाउ रन दिस. तो आप देखिए यहाँ पर सारा डेटा आ गया. अभी आपका पीछे यही चीज़ हमने विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट किया था, तो एक बार में अगर एक डेटा आ रहा था तब तो वो दिखा रहा था, लेकिन अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स था तो वहाँ पर वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो पा रही थी. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टी रिकॉर्ड्स, आई मीन टोटल आपको 10 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह सेटिंग नहीं करी, यहाँ 10 है. अगर मैं यहाँ पे 50 कर देती हूँ तो टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं. तो देखिए अभी ये बढ़ जाएगा, ये टोटल 14 रिकॉर्ड्स दिखाएगा. आई मीन डेटाबेस में जितने भी हैं आप काउंट कर सकते हो, 3, 3, 6, 9, 12 एंड 11, 14 आ गए टोटल. तो 14 रिकॉर्ड्स से आपको पता है यहाँ पर. इवन आप कंप्लीट टेबल का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने केवल कितना रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रखा है आप देख सकते हैं. दैट इज द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब. इंस्टेड ऑफ दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टार. तो ये कंप्लीट लेके आ जाएगा. नाउ मैंने लिखा C1 इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. अब मान लीजिए एम्प्लॉय नेम एक्स. अब यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो स्पेस के साथ देते जाओ, नहीं दोगे तो चिपक चिपक के आएगा गैप अगर आपने मेंशन नहीं किया. एंड देन अगेन आई वॉन्ट टू डिस्प्ले हियर द हायर डेट, आई मीन ज्वाइनिंग डेट ऑफ द एम्प्लॉय. देन एक्स डॉट मैंने यहाँ पे हायर डेट लिख दिया, देन इसका हायर डेट भी आ जाएगा. इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसका मैनेजर नंबर भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं. देन आई राइट हियर एक्स डॉट MGR एंड रन दिस. मैंने 5 कॉलम ले लिए. अब तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एम्प्लॉय नंबर आ गया, किंग आ गया, प्रेसिडेंट, एंड देन इसकी ज्वाइनिंग डेट आ गई. बट यहाँ पे आप सोच रहे हो इसका MGR नंबर, क्योंकि प्रेसिडेंट का कोई भी एम्प्लॉय सॉरी मैनेजर नहीं है, वो हायर ऑफ द बॉस है, कंपनी का सबसे बड़ा वही बॉस है. बाकी सबके सामने यहाँ पे MGR नंबर आ रहा है. अब आप देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये जिग जैग सा दिख रहा है. इसकी सेटिंग आप L-trim, R-trim जो मैंने पढ़ाए हैं, फंक्शंस पढ़ाए हैं, उनकी मदद से आप इनको सेट कर सकते हो स्पेस दे के. तो ये इस तरह से नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और स्पेस दे दोगे तो ये वो भी ठीक हो जाएगा. आप स्पेस से कुछ कर सकते हो तो स्पेस से कर सकते हो यहाँ पे. अदरवाइज़ क्या है, आप L-trim, R-trim का मदद ले लोगे तो जो भी एक्स्ट्रा होता है वो वहाँ से आप पैडिंग कर सकते हो तो ये इक्वल दिखाई देने लगेगा, इसीलिए वो फंक्शन पढ़े जाते हैं. ये देखो थोड़ा सा बेटर हो गया, मैंने गैप दे दिया तो थोड़ा दूर दूर दिख रहा है. ये तीनों आसपास हैं, ये थोड़े दूर दूर हो गए. तो इस तरह से आप यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो बेसिकली हमें क्या चाहिए था कि अगर मल्टी रिकॉर्ड्स भी हमारा क्वेरी फेच कर रहा है तो हमारा पर्पस है कि हम उस डेटा को डिस्प्ले करा पाए. ऐसा नहीं सेलेक्ट स्टेटमेंट इसी वजह से फेल हो गया. फॉर द सिंगल रिकॉर्ड इट इज़ ओके, बट फॉर द मल्टी रिकॉर्ड्स इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वर्क ही नहीं कर पाता है. और दैट वी कैन डू बाय द कर्सर. तो कर्सर की मदद से हम ये कर सकते हैं. अब मैंने कर्सर को, एक तो ये मेथड है, लॉन्ग मेथड है. दैट मीन्स आप कर्सर को डिक्लेयर करते हो, ओपन करते हो, फेच करते हो, फिर क्लोज करते हो कर्सर को. तो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हम जो देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड है. मैंने लूप वाला मेथड आपको बताया था, सेम यही काम होगा बट आप वहाँ पे लूप लगा के कर सकते हो. नाउ टुडे आई विल डू सम अनदर प्रोग्राम. आई होप अमन क्लियर हुआ. अमन? यस मैम. ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अमन की क्या दिक्कत थी और क्या नहीं. चलो अब आज यहाँ पे कुछ नए प्रोग्राम्स देख लेते हैं. जैसे ये है आपका रिकॉर्ड, आई मीन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कर्सर, सिंपल सी एक रिकॉर्ड है. पहले मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको उस स्क्रीन पे एक एक करके समझाती जाती हूँ. दिखाई नहीं देगा, एक सेकंड, ये आ गया. यहां से मैं बता रही हूं आपको, यहां पे देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग सभी ने मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा ही है.
नहीं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो सी लैंग्वेज सबने पढ़ा है, और उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपने वहाँ पे पढ़ा है। स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्ट करके बनाया स्टूडेंट, एंड देन आपने यहाँ पर कुछ मान लीजिए इंट आपने एक्स ले लिया, देन फ्लोट वाई ले लिया, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हो, और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर का जैसे आपने बनाया स्टूडेंट एस वन, आई मीन इसका ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, तो यानी कि अब इस पूरे ब्लॉक का जो डेटा टाइप हो गया वो है स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप हो गया। तो आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स डेटा टाइप का लेते हो और उसका आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि अब जो इसका डेटा टाइप है वो यूजर डिफाइंड जिसे आप बोलते हो स्ट्रक्चर का आपने ले लिया, स्टूडेंट डेटा टाइप हो गया। स्टूडेंट के अब आपने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिए, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। द सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई हियर, क्योंकि कई बार हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है और हम वहाँ पर अलग अलग डेटा को स्टोर करना चाहते हो। सपोज करो हमारे पास एक डेटाबेस हमें बनाना है, आई मीन ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर हमने कोई भी वो नहीं लिया है, हमने यहाँ पर कुछ भी वो नहीं लिया है, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ भी वो नहीं ले रखा है, दैट मीन्स कि कोई कर्सर नहीं लिया है, कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिया है, ना ही हमने कोई डेटाबेस से डेटा उठाया है, बल्कि एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमने नाम क्या दे रखा, बुक रिकॉर्ड टाइप है। अगर आपको बुक का डेटाबेस बनाना है तो अब बुक के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, बुक का टाइटल होना चाहिए, उसका ऑथर होना चाहिए, मान लीजिए किस सब्जेक्ट की बुक है, बुक आईडी का मतलब बुक नंबर होता है ताकि हम एक बुक को दूसरी बुक से आइडेंटिफाई कर पाएं, जैसे लाइब्रेरी से आप बुक इशू कराते हो, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें अगर हमें डिक्लेयर करनी है और तीन ये चारों चीज़ें एक साथ बाइंड करके रखना, तो हम इसका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं ताकि ये टेबल की तरह काम करे, इस तरह से हॉरिजेंटल यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे उसका ऑथर है, यहाँ सब्जेक्ट आपने डाल दिया, एंड देन यहाँ पे इसकी आईडी है, इस तरह से हम चाहते हैं बुक वाइज ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्टोर हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड स्ट्रक्चर की जगह आप यहाँ पे लिखोगे टाइप, एंड देन नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज अ बुक्स, हमने यहाँ पे नाम डाला है बुक्स, इज रिकॉर्ड, और यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा इज रिकॉर्ड करके, तो स्ट्रक की जगह यहाँ टाइप का इस्तेमाल होगा, एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे जैसे जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, दैट मीन्स यहाँ पे पहला आपने लिखा वेरिएबल जो लिया आपने टाइटल और उसका डेटा टाइप लिया वर्क है, देन दूसरा लिया आपने, अच्छा आप वर्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्कर टू भी, और उसका साइज आपने लिया 50, इसी तरह से सब्जेक्ट भी आपने लिया 50, उसका डेटा टाइप भी वर्कर, बुक की आईडी के लिए नंबर चाहिए, तो ये तो आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया जिसमें हम स्पेसिफिक बुक्स स्टोर करने जा रहे हैं। अब हमने इस स्ट्रक्चर जैसे हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया था तो उसका मैंने S1 S2 दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए थे, इसका मतलब है दो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हम बनाना चाहते हैं, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट यहाँ पे दो बुक्स का रिकॉर्ड, आप 25 बुक बना लो, 100 बुक बना लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, तो आपको जितने भी बुक बनाने हैं, यहाँ पर हमने लिखा बुक वन, आई मीन बुक वन का डेटा हम स्टोर करेंगे बुक टू, तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे बुक वन, और उसका जो डेटा टाइप होगा वो बुक्स होगा, ऑलरेडी आपने यहाँ बुक्स डिफाइन कर रखा है ऊपर, तो बुक्स का मतलब है कि ये चार चीज़ें वो लेगा, बुक वन के अंदर ये टाइटल ऑथर सब्जेक्ट एंड बुक आइडिया, इसी तरह बुक टू में भी आ जाएगा। नाउ बिगिन, बिगिन में यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले हम बुक वन का स्पेसिफिकेशन स्टोर कर रहे हैं, बुक वन स्पेसिफिकेशन ये हैडिंग है, यहाँ पे कमेंट जो होता है ये दो अंडर स्कोर लगाते हैं, दिस इज द कमेंट लाइन, जैसे आप सी में क्या करते हो ये डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हो, और एकल में आपको ये लगता है कमेंट लाइन के लिए। नाउ तो बुक वन डॉट टाइटल, क्योंकि आपका जो ये वेरिएबल है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो बनाया, ऑब्जेक्ट विथ द वेरिएबल जो कि आपने बुक्स में डिक्लेयर किया उसके साथ प्रीफिक्स करना है, तो डॉट के साथ लोगे, बुक वन डॉट टाइटल इक्वल टू नाम आपने स्टोर कर दिया, इसी तरह से बुक वन डॉट ऑथर में आपने अली ऑथर नाम डाल दिया, सब्जेक्ट में आपने सी डाल दिया, बुक वन डॉट बुक आई डी में आपने आई डी नंबर कुछ डाल दी, इसी तरह से बुक टू को आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये यहाँ पे ये आ गया चारों चीज़ आपने, अब इनको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट बुक वन सिंपली डी बी एम एस आउटपुट करके आपने
इन दोनों को प्रिंट करा लिया, टाइटल और ये कॉन्कैट करके बुक वन डॉट टाइटल करा, इसी तरह से बुक वन डॉट ऑथर जो भी आपने सिंपली दे रखा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट मीन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द कर्सर। एक सिंपल सा जो प्रोग्राम है आपका यहाँ पर वो है ये। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है, और लेकिन ये है कि अगर आपको डेटा यहाँ पर वो करना था तो इसे हम कैसे करेंगे ये देखना था। ना अब इसे यहाँ पर अगर हम रन करके देखें तो आप देख सकते हैं ये रहा बुक वन टाइटल क्या है, ये आ गया। बुक टू का टाइटल देखो टेली कॉम बिलिंग करके है, इसी तरह से ऑथर नुहा अली कलम, देखो यहाँ पे बुक वन करके है, ये बुक टू से चार लोग इसे। तो आप देखो सिंपल सा, जैसे आपने फाइल सिस्टम पढ़ा है सी लैंग्वेज में, उसी टाइप की ये प्रोग्रामिंग है कि जो डेटा आपने स्टोर किया वेरिएबल के अंदर उसी की वैल्यूज को आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। इट्स लाइक अ सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग विच वी हैव लर्न इन द सी लैंग्वेज। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो काम आपने सी में करे हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग जो करी है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ जो नई चीज़ें आपको पढ़नी थी वो सेलेक्ट स्टेटमेंट, कर्सर, आगे अभी मैं पैकेज भी पढ़ाऊंगी तो पैकेज में भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा था कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए बुक वन एंड बुक टू, और बुक वन में कुछ आपने डेटा स्पेसिफाई किया, इसी तरह से आपने बुक टू में भी कुछ डेटा स्पेसिफाई किया और यहाँ पर आप देख सकते हो। कमेंट लाइन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे दो अंडरस्कोर आप डाल दोगे तो ये आ जाएगा, दो डॉट डॉट करके आ गया तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसमें देखिए ना कोई एक्सेप्शन यूज किया गया ना कुछ, सिंपल सा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हुई है यहाँ पर। एक इसी का और प्रोग्राम है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी बताया था, कर्सर में ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा। देखिए यहाँ पर एक और प्रोग्राम है विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ यहाँ पर क्या कर रहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेरी आप खुद ही यहाँ पर चेक करोगे। सपोज यहाँ पे हमने लिया ईएमपी आईडी, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय आईडी आई मीन हम कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, ये पूछेगा हम उसको कीबोर्ड से वैल्यू देंगे, उसके बेसिस पे ये मुझे रिजल्ट देगा कि वो एम्प्लॉय का डेटा है। आई मीन सर्चिंग कर रहे हैं हम, डेटा को सर्च करने का ये प्रोग्राम है। तो एम्प्लॉय आईडी नाम का हमने एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया और उसका डेटा टाइप क्या रखा, एम्प्लॉय ईएमपी डॉट एम्प्लॉय नंबर परसेंटाइल टाइप, और यहाँ पे देखो इक्वल टू ईएमपी नंबर हमने दे दिया पूछने के लिए कि आपसे पूछेगा, इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। जब हमें एम्प्लॉय नंबर अगर हमने करेक्ट डाला है तो ये डिस्प्ले कराएगा यहाँ पर, ये डिस्प्ले कराएगा आप डिस्प्ले कराना चाहते हो एम्प्लॉय का नाम और उसका जॉब। नाउ अब यहाँ पर क्या, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, हम यूजर खुद अपना एक्सेप्शन डिफाइन कर सकता, हो सकता यूजर ने एम्प्लॉय नंबर गलत एंट्री करी है तो यहाँ पर हम एक मैसेज डालेंगे एरर इनवैलिड आईडी, आई मीन ये नाम रखा है आप अपने मर्जी से नाम रख सकते हो, तो आप यहाँ पे नाम रखा है एरर अंडरस्कोर इनवैलिड अंडरस्कोर आईडी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नाम हमने ये बना लिया खुद का। अभी तक जितने भी मैंने एरर इस्तेमाल करे थे वो प्री डिफाइंड थे, आई मीन वो ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है, यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन हियर। जैसे कि यहाँ पे एरर इनवैलिड आईडी किया, नाउ बिगिन, बिगिन में हमने क्या लिखा, इफ ई एम पी आई डी विच वी हैव डिफाइंड हियर ई एम पी आई डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो देन रेज, क्या रेज करे वो ये वाला एरर रेज कर दे, रेज एरर इनवैलिड आई डी जो हमने यहाँ डिफाइन किया वो रेज कीवर्ड से आप यहाँ पर उसे डिफाइन कर सकते हो, रेज कर सकते हो कि वो इस एरर को रेज कर दे। अगर किसी का भी एम्प्लॉय आई डी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर आपने नेगेटिव डाली है तो एरर रेज हो जाएगा, एल्स अगर वो एरर नहीं है करेक्ट है तो फिर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर। दैट मीन्स आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, एम्प्लॉय का नाम, उसका जॉब, और उसको स्टोर कहाँ करना चाहते हो, ई नेम और ई जॉब में फ्रॉम ई एम पी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू ई एम पी आई डी। दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर जो होगा, जो आपने ई एम पी आई डी आपने कीबोर्ड से डाली है वो उसको लेगा, इससे मैच करेगा,
मैच अगर कर गया तो इम्प्लॉय नेम और जॉब यहाँ से रिट्रीव करके इस लोकल वेरिएबल में स्टोर कर देगा यहाँ पे। एंड देन आपने नाम को डिस्प्ले करा दिया और उसके जॉब को डिस्प्ले करा दिया और एंड इफ को क्लोज कर दिया। एंड इफ क्लोज होने के बाद आपको प्रोग्राम को क्लोज करना है। प्रोग्राम क्लोज करने से पहले आप चाहें तो एक्सेप्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एरर इनवैलिड आईडी, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईडी मस्ट ग्रेटर देन द जीरो, आपने यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज दे दिया, प्रॉपर मैसेज दे दिया, आई मीन ये रेज हो जाएगा। व्हेन नो डेटा फाउंड, सपोज आपने करेक्ट नंबर डाले हैं, पॉजिटिव नंबर डाले हैं, उसके बाद भी डेटा नहीं मिल रहा, तो आप लिख सकते हैं नो सच कस्टमर एग्जिस्ट या नो सच एम्प्लॉय एग्जिस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। तो कस्टमर की जगह यहाँ पर एम्प्लॉय लिख सकते हैं हम। When others, I mean आपको दो ही चीज़ समझ में आई, एक तो आईडी गलत हो सकती है, I mean negative हो सकती है, एक डेटा ना मिले, और मान लीजिए आपको तीसरा एरर नहीं समझ में आ रहा, आपको जनरल नहीं समझ में आ रहा है कि what type of the error it can be, तो आपने यहाँ पे जनरल एरर क्या कर दो कि when others, others is also a predefined keyword for the exception handling, कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा आप उसे डिफॉल्ट में डालना चाहते हो, वेन अदर्स, देन आपने यहाँ पे मैसेज कर दिया एरर करके, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या टाइप आप ऑफ द एरर आ रही है, तो आपने बस एक मैसेज डाल दिया कि एरर है, जो भी आपने नंबर डाला वो गलत है। तो अगर आप ये करके देखते हैं, चलिए रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एम्प्लॉय आई डी यहाँ पे ये पूछ रहा है, सपोज मेरे को याद है 7839 ये एम्प्लॉय किंग का है, तो यहाँ पे हमने डाला, तो देखो आंसर आ गया, नेम क्या है किंग है और एड्रेस क्या है प्रेसिडेंट है। तो ऐसा नहीं कि केवल आप डेटा को रिट्रीव करके डिस्प्ले करा रहे हो, आप क्वेरी भी कर सकते हो, आई मीन सर्च कर सकते हो कि क्या ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट है। अगेन आई एम गोइंग टू रन एंड आई एम गोइंग टू गिव हियर सम जीरो दे देती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, आई एम गिविंग हियर जीरो, देन वॉट विल बी द आंसर, देखो यहाँ पे आ गया मैसेज, आई डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, आई डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो मैंने डाला था तो उसने बोला कि आईडी जीरो से बड़ी, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1122 कुछ भी डाल दिया रैंडमली, अब देखो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, एरर, क्योंकि मैंने जो डेटा टाइप है वो चार है, नंबर जो हमारा एम्प्लॉय नंबर है उसका डेटा टाइप चार है, उसका साइज मैंने 5 डिजिट का डाला, उसको वो नहीं समझ में आया, उस नंबर का कोई एम्प्लॉय भी नहीं मिला, तो उसने यहाँ पे ये अदर्स वाले को एग्जीक्यूट करके एरर दिखा दिया। इसी तरह से सपोज मैं करेक्ट 4 डिजिट का ही नंबर दूँ, यहाँ पर अभी मैंने 6 डाला था, तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा नो सच एम्प्लॉय एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने डेटा टाइप बिल्कुल सही डाला, 4 डिजिट का एम्प्लॉय नंबर था, वो जीरो भी नहीं था, तो इसने यहाँ पे थर्ड वाले को एग्जीक्यूट करा, नो सच एम्प्लॉय एग्जिस्ट। तो बाय दिस, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ करेक्ट एम्प्लॉय आई डी अगर मैंने डाली यहाँ पे, करेक्ट क्या हो सकता है 7766 करके भी है, 7766 का भी एम्प्लॉय कोई है, नहीं है, नो सच एम्प्लॉय एग्जिस्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेरी करके देख सकते हैं। आई टेल वंस अगेन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने एक जो भी एम्प्लॉय आईडी की जगह आप सैलरी भी ले सकते हो, यहाँ पे सेल को लेके सर्च कर सकते हो कि क्या इस सैलरी से एम्प्लॉय है कि नहीं है, तो एम्प्लॉय आईडी देन emp.ea करा आपने, और यहाँ पर अपनी कीबोर्ड के थ्रू डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं और मैच करा रहे हैं, तो बस यहाँ पे ये नया है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने यूज़र डिफाइंड खुद भी बना सकते हो, तो यहाँ पे हमने बनाया एरर इनवैलिड आईडी, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रीडिफाइंड यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं था, तो आपने खुद बनाया और फिर यहाँ पर आपने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, एरर इनवैलिड आईडी देन दिस मैसेज आ जाए, आपने प्रीडिफाइंड का भी इस्तेमाल किया, नो डेटा फाउंड, ये प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग है, अदर्स भी प्रीडिफाइंड है, तो ऐसा नहीं कि यूज़र डिफाइंड के साथ आप प्रीडिफाइंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जांपल कि कैसे हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेटाबेस में।